हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि इंजन बनाने में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। इंजन या गाड़ी का कोई भी काम कराने में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। बहुत जगहों पर बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं कस्टमर से। तो भाई, ऐसा नहीं है कि कम पैसे में बन रहा तो आपका सामान घटिया लग रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये पैसा कम लिया तो सामान खराब लगा रहा, वो ज़्यादा पैसा लगा लिया है तो ज़्यादा अच्छा सामान लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आदमी का अपना अपना विचार है, अपना अपना सोच है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंजन जब खुलता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट लगते हैं और कौन कौन से पार्ट लगते हैं जो जनरली पार्ट लगते हैं जो कौन कौन से पार्ट लगते हैं और उसका कॉस्ट क्या पड़ता है, दाम क्या पड़ता है, है ना। तो ये बता देना ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर कहेंगे कि भाई आप 5,000-5,500 में इंजन बना रहे हो तो आपको पैसा कम, आप सामान घटिया डाल रहे होगा। ऐसा नहीं है, सामान घटिया नहीं डालते हैं हम, तो सामान सही कंपनी का डालते हैं, अच्छी कंपनी का डालते हैं। तो चलिए हम आपको आज डिटेल में बताएंगे कि सामान क्या क्या चेंज होता है जब भी गाड़ियाँ खुलती है ना, तो क्या क्या सामान चेंज होता है और उसका कॉस्ट क्या पड़ता है। और ओरिजिनल सामान का मैं आपको हीरो का बता रहा हूँ, ज़्यादातर जनरली तो मार्केट में हीरो स्प्लेंडर वगैरह ज़्यादा चलता है ना, तो मैं उसका बता रहा हूँ। बाकी और गाड़ियों की अलग अलग कॉस्ट होती है, लेकिन मैं आपको आज स्प्लेंडर वगैरह का बताऊंगा। उसका इंजन खुलता है ना तो क्या क्या सामान जनरली चेंज होता है, ज़्यादातर जो सामान चेंज होता है ना उसका आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा सामान चेंज होता है। देखिए, इतना सारा सामान है जो सामान चेंज होता है, ये सारा सामान गाड़ियों में चेंज होता है। जब भी गाड़ी का इंजन वगैरह खुलता है ना तो ये सारा सामान चेंज होता है। तो जनरली ये सारा सामान ही चेंज होता है, जैसे कि क्लच प्लेट हो गया, पिस्टन हो गया, सेंटर हो गया, हब हो गया, ये वाल हो गया, और ये टाइमिंग चेन का पूरा किट है इसमें, समझे। इसमें टाइमिंग चेन भी है, स्प्रिंग रोलर वगैरह सब है, वाल पंप रोलर भी है, ये क्रैंक का वायरिंग हो गया, ये कनेक्टिंग हो गया, क्रैंक बैरिंग दो हो गया, ये दो हो गया, और ये पैकिंग हो गया। पैकिंग भी ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है कि आपको मैं डुप्लीकेट सामान का दाम बता रहा हूँ। और कॉस्ट, आज हम सबसे बड़ी बात कॉस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सारे लोग कहते हैं ना कि 10,000-12,000-15,000 का बिल बन रहा है, तो उतना बिल नहीं बनता है, ठीक है। चलिए हम आपको इसका डिटेल में बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्रैंक के बारे में। तो क्रैंक देख रहे हैं, ये क्रैंक हो गया आपका, ठीक है। तो ये जब भी ख़राब होती है ना तो ये कनेक्टिंग है, ये कनेक्टिंग चेंज होती है, ठीक है। इस कनेक्टिंग का दाम है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं, 716 रुपये, है ना, 716 रुपये इसका कॉस्ट है। तो इसमें भी अगर बैरिंग ख़राब है, ये कनेक्टिंग ख़राब है तभी चेंज होता है। तो ये देख रहे हैं, ये अप डाउन प्ले करेगा, ये साइड प्ले नहीं देखा जाता। जब भी इंजन वगैरह खुलता है ना तो ये अप डाउन प्ले ऊपर नीचे नहीं होता है, ये ऊपर नीचे हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे अगर है तो ये ख़राब है, ठीक है। तो कनेक्टिंग आपको चेंज करना पड़ेगा अगर ऊपर नीचे है तो। क्रैंक पूरा चेंज नहीं होता। अब अगर आपका मन, आपको भाई ज़्यादा बिल बनाना है तो आप चेंबर रहने दो, बाकी सारा पार्ट चेंज कर दो, है ना। तो सारा पार्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। ये इसका बैरिंग है, ठीक है, ये बैरिंग है। तो बैरिंग कब चेंज होता है, जब बैरिंग में साउंड होता है या बैरिंग प्ले होता है तब चेंज होता है, ठीक है। अगर बैरिंग में साउंड नहीं है, बैरिंग प्ले नहीं है, तो इसे चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आप खुद से चेक कर सकते हो, और इसे चेक कैसे करना मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो ये क्रैंक चेक करने के लिए आप लगा हुआ में भी इसे ऐसे पुश करोगे ना, ऐसे पुश करोगे तो ये आवाज़ करेगा। यहाँ पर ठोकोगे ना इस जगह पे तो यहाँ पे आवाज़ करेगा, ये कनेक्टिंग आवाज़ करेगा। ये ख़राब रहेगा ना, ये साइड प्ले नहीं देखा जाता, ये साइड प्ले हल्का सा भी रहेगा या थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है। ये अप डाउन प्ले नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये अप डाउन प्ले है ना तो इसका ये कनेक्टिंग, यहाँ पर एक पिन लगा हुआ है, ठीक है, कनेक्टिंग पिन और बैरिंग इसका ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका कनेक्टिंग पिन बैरिंग, ये है क्रैंक कनेक्टिंग। तो इसे हम खोल के बता रहे हैं आपको, इसके अंदर में इसका दाम है 716 रुपये, ठीक है, 716 रुपये। और इसे हम खोलते हैं, ये ओरिजिनल कनेक्टिंग है, ठीक है, ऐसा नहीं कि लोकल कनेक्टिंग है, ये ओरिजिनल कनेक्टिंग है, ये ओरिजिनल कनेक्टिंग है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये आपको एजेंसी वगैरह में मिल जाएगा अगर आप परचेज कर रहे हो तो। ये सेट आता है, 1, 2, 3 ये सेट आता है, इसमें लगा हुआ रहता है, 716 रुपये दाम है इसका, ठीक है। ये
ये हो गया आपका 716 रुपये कनेक्टिंग रोड का। चलिए हम इसका रेट भी देखेंगे, रेट भी लिखेंगे, क्योंकि टोटल हमें कॉस्ट भी करना है। तो कनेक्टिंग का दाम है 716 रुपया, ठीक है। उसके बाद आ गए बैरिंग पे, ठीक है। ये बैरिंग अगर साउंड कर रहा है घुमाने से, और ये प्ले है तभी ये चेंज होता है। ऐसे अगर प्ले है, ये मोबिल में डुबा हो रहता है, इंजन ऑयल में ये डुबा हो रहता है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। जब इंजन वगैरह सीज करती ना तभी ये चेंज होता है। तो ये अगर प्ले है तो ये चेंज होगा, अगर इसमें साउंड है तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो जनरली लोग इसे चेंज करा ही देते हैं। तो चलिए इसका ये है बैरिंग, ठीक है, ये बैरिंग है। इसका दाम है 170 रुपये, ये दो पीस लगता है। तो बैरिंग लिख देते हैं हम यहाँ पर, बैरिंग 170 रुपये, दो बैरिंग है तो दो बार हम 170 करके लिख देते हैं, ठीक है। ये दो बैरिंग हो गया, एक यहाँ और एक बैरिंग ये वाला, दो बैरिंग हो गया। उसके बाद हम आते हैं पिस्टन पे, ये पिस्टन हो गया आपका, ठीक है। पिस्टन 25 साइज है, बहुत से लोगों का अगर 50 किया हुआ है तो वो ब्लॉक न्यू लगाते हैं। ब्लॉक का मैं नहीं बता रहा हूँ, ब्लॉक का फिर लास्ट में बताऊँगा, ब्लॉक का कॉस्ट भी बताऊँगा। तो इसका दाम है 655 रुपये, है ना, 655 रुपये इसका दाम है। इसमें पिस्टन, पिन, बैरिंग तीनों रहता है। तो पिस्टन का दाम हो गया, पिस्टन का दाम हो गया आपका 655 रुपये, 655 इसका दाम है। बोलिएगा तो मैं इसे खोल के भी दिखा दूंगा, ये सील है। पूरा पैक है, पिस्टन, पिस्टन पिन और पिस्टन रिंग, ये तीनों इसमें लगा हुआ होता है। खुल नहीं रहा, मैं खोल के दिखाता हूँ इसे। ये हो गया पिस्टन रिंग, ठीक है, ये पिस्टन रिंग है, ये पिन है, ये लॉक है इसका, और इसका अंदर में ये पिस्टन हो गया, ठीक है, ये पिस्टन हो गया आपका। पिन इसका रिंग, ठीक है, इसे हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसका दाम लिखा गया 655 रुपये यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं इसका क्लच प्लेट, ये है इसका क्लच प्लेट जो कि ओरिजिनल स्प्लेंडर का, 392 रुपये, हो गया क्लच प्लेट। क्लच प्लेट भी मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, हीरो की जेन्युइन है। ये है इसका क्लच प्लेट, हीरो है ना, हीरो। अब आते हैं इसका हेड में, जो हेड में वाल लगता है, ये है हेड का वाल, ठीक है, ये हेड का वाल है, है ना। इसमें बल्ब सील लगा हुआ रहता है, बल्ब सील दिया हुआ रहता है कंपनी से, ये वाल दो वाल है। इसका दाम है बल्ब सील लेकर 410 रुपया, बल्ब किट 410 रुपया हो गया। अब ये हुआ सेंटर और हब, जो कि क्लच प्लेट में लगता है। ये खराब रहा तो चेंज होता, नहीं खराब रहा तो नहीं चेंज होता। जो 50% चांस रहता है कि गाड़ियों में खराबी निकलती है, 50 में चांस रहता है कि खराब नहीं निकलता।
तो 310 रुपये हब का दाम हो गया, क्लच हब 310 रुपया, और क्लच सेंटर 180 रुपया इसका दाम है, ठीक है 180 रुपया। अब आते हैं टाइमिंग चेन, ये हो गया टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन ये पूरा किट है, इसमें रोलर वगैरह सारा चीज़ है, वायल पंप स्पोकेट वगैरह सारा चीज़ इसमें ए टू जेड कंप्लीट रहता है, यहाँ तक कि आगे का कैमशाफ्ट स्पोकेट भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इसका दाम है 470 रुपया, 470 रुपया टाइमिंग किट। ठीक है। अब ये पैकिंग, पैकिंग तो लोग ओरिजिनल लगाते नहीं है मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनी के, लेकिन फिर भी मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ। पैकिंग पूरा फुल गैसकेट 170 रुपये और हेड का अलग से आता है 130 रुपये। तो हेड और 117 पैकिंग किट, पैकिंग किट 117 रुपये, और आपका हो गया हेड पैकिंग, हेड पैकिंग हो गया आपका 130 रुपये, ठीक है। ये इतना ही सामान चेंज होता है। उसके बाद अगर गियर में आपका प्रॉब्लम है, गियर में अगर कोई दिक्कत है तो गियर का सामान अलग लगता है, और जीपीडी एक इसमें जीपीडी भी लगता है, जीपीडी ये जीपीडी है, इसका दाम है 290 रुपया, जीपीडी का 290 रुपया, ठीक है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, निकाल के भी दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं सस्ता बना तो सारा सामान डुप्लीकेट ही डलाएगा, सारे लोग सोचते हैं ना कि डुप्लीकेट ही सामान डलाता है, सस्ता में बना रहा मतलब डुप्लीकेट सामान डाल रहा, सारा सोच लोगों की है ना, जीपीडी लोगों की सोच वैसी ही हो गई है, और मैकेनिक लोग भी समझा देते हैं ना, बाहर में काम करा रहे हो तो यहाँ काम करा रहे हो तो ज़्यादा पैसा ले लिया आपको, इतना में होता उतना में होता, जीपीडी का 290 रुपया। जनरली इतना ही सामान चेंज होता है। अगर आप क्लच का बैरिंग चेंज करते हो तो वो 50-60 रुपये का दाम है, अगर वो चेंज करते हो तो, ठीक है। और बाकी कोई भी सामान चेंज नहीं होता, इतना ही सामान, इंजन एक जनरल इंजन बनता है तो इतना ही सामान चेंज होता है। और चलिए इसके साथ हम इंजन ऑयल का रेट जोड़ देते हैं, इंजन ऑयल। अब इंजन ऑयल बहुत सारा क्वालिटी का होता है, कौन कौन सा आप चेंज करोगे, तो मैं चलिए कैस्ट्रोल एक्टिव का दाम जोड़ देता हूँ जो अभी मार्केट में चल रहा है 370 रुपये, ठीक है। 420 लिस्ट आ रही है उसकी, प्रिंट आ रही है, 370 रुपये मैं जोड़ देता हूँ उसका दाम, और ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें लेथ वाले का खर्च होता है, जो पिस्टन बोर वगैरह करते हैं ना उनका खर्च होता है, बोर करते हैं, क्रैंक बनाते हैं और हेड का काम करते हैं, ये तीनों मिलाकर आपका 80 रुपये, 100 रुपये, 180 रुपये और 120 रुपये, 300 रुपये खर्च उनका आता है लेथ वाले का, लेथ का खर्च 300 रुपये, ठीक है। तो चलिए हम इसे जोड़ देते हैं, टोटल को जोड़ देते हैं, इसे बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। ये टोटल को पहले हम जोड़ देते हैं, ये सामान का है ना टोटल, इसे हम जोड़ देते हैं कि क्या दाम हो रहा है इसका। उसके बाद भी इसमें बहुत जगहों पर अलग अलग तरह का डिस्काउंट होता है, कोई 2% देते हैं, कोई 5% देते हैं, हर जगह अलग अलग हिसाब किताब है। तो मैं अपना रेट बता रहा हूँ आपको, 716, 170 और 170, 655, 392, 410, 310, 180, 470, 117, 130, 290, 4010 रुपये का सामान लग गया इसमें, है ना, 4010 रुपये के इसमें सामान लग गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4010 रुपये, ठीक है। अब 4010 रुपया, 4010 रुपये का सामान हो गया। बहुत जगहों पर डिस्काउंट का हिसाब किताब है, बड़े जगहों पर डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन ऐसे जनरली डिस्काउंट 10% तो जनरली हर जगह मिलता है। तो चलिए हम इसमें डिस्काउंट नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, डिस्काउंट का अलग हिसाब किताब करते हैं, डिस्काउंट नहीं जोड़ते हैं। 370 और 300, 670 रुपये हम फिर से इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये इंजन ऑयल और लेथ का खर्च है, 670 रुपये ऐड कर देते हैं, प्लस
670 रुपये, 4680 रुपये टोटल हो गया, 4680 रुपया, ठीक है। ये हो गया टोटल सामान का खर्च, सारा सामान का खर्च। अब हम इसमें जोड़ते हैं लेबर चार्ज। लेबर चार्ज बहुत जगहों पर 800 रुपया, बहुत जगह 1000 रुपया, बहुत जगह 1200 रुपया, इतना ही चार्ज है हर जगह का। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग, कोई 2000 ले लेता है, कोई 3000 ले लेता है, उससे मतलब नहीं है। चलिए मैं अपना रेट जोड़ देता हूँ उसमें, 1000 रुपया। ये हो गया आपका 5680 रुपया। इतना में आपका टोटल इंजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया जनरल चार्ज। अगर हम, मैं काम करता हूँ, उसका चार्ज मैं जोड़ता हूँ आपको, 4010 रुपया माइनस 10%, 10% सामान में डिस्काउंट आता है, ठीक है। तो इधर आपका आ गया 3609 रुपया और यहाँ 670 रुपया। 3609 प्लस 670 रुपया, 4279 रुपया, 4279 रुपया। इसमें 1000 रुपया लेबर चार्ज, ठीक है, प्लस 1000, 5280 रुपये टोटल। टोटल मेरा, मेरे पास बनाने पे बिल बनेगा 5280 रुपये। ये हो गया जनरल, जेन्युइन चार्ज, इंजन बनाने का टोटल खर्च, कितना खर्च होता है इंजन बनाने में। अब बहुत से भाई लोग कहेंगे कि ये गलत है, रॉन्ग सामान गलत है, तो फलना गलत है, चिलना गलत है। मैं आपको सारा इंजन वाल वगैरह टोटल बता दिया, क्या खर्च है, नहीं खर्च है, टोटल खर्च हो गया ये सारा सामान का कॉस्ट, और कौन कौन से सामान लगते उसका। अब बताओ, मैं आपको डिटेल में सारा सामान का पार्ट्स लिस्ट, लिस्ट के साथ में कितना पैसा लगता है, सारा मैं आपको डिटेल में बता दिया। अब ये मत कहना कि भाई वो बाहर के लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो आपको विचार करना है। इंजन बनाने में खर्च उतना नहीं आता, और इंजन हमेशा नहीं बनता। एक बार अगर आप इंजन बनाओगे ना, तो 3 से 4 साल मिनिमम 3 से 4 साल आपको चलेगा, अगर सही मेंटेनेंस रखे तो। टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज कराते रहे, इंजन का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। इंजन का बस आपको समय समय पर इंजन ऑयल चेंज करा देना है, और बैलेंसर प्लेट को क्लीन करवाना है हर 10,000 किलोमीटर पर, ठीक है। और इंजन का कोई मेंटेनेंस नहीं होता। क्लच प्लेट वगैरह जला, टाइमिंग चेन खराब हो, तो वो अलग मैटर हो गया, मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ। इंजन में कोई मेंटेनेंस नहीं होता, अगर आप टाइम टू टाइम चेंज कराओ, तो इतना ही खर्च में आपको 4 साल 5 साल आराम से देखना नहीं है इंजन को। रही बात बॉडी की, बॉडी में उतना सामान खराब नहीं होता। फिल्टर कभी चेंज हुआ आपका, 10,000 किलोमीटर फिल्टर चेंज हुआ, 8,000 किलोमीटर, एरिया पर डिपेंड करता है। डस्टी एरिया है तो कम समय में खराब हो जाता है, फ्रेश एरिया है तो ज़्यादा समय लॉन्ग लास्टिंग करता है। ऊपर से सर्विसिंग की बात करते हैं, चलिए बहुत से बात होते हैं ना, सर्विसिंग टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं। भाई सर्विसिंग आपको ऐसे नहीं कराना है, सर्विसिंग आपको एक बार सर्विस करा लिए गाड़ी, उसके बाद जब सेकेंड बार सर्विस का आपका टाइम है ना, तो आपको सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराना है, इंजन ऑयल चेंज कराना है, और चेन आपका लूज है या टाइट है वो करवा लेना है, और आपको फिल्टर क्लीन करवा लेना है, और गाड़ी में कुछ भी नहीं कराना है। जब फिर सेकेंड सर्विस आएगा ना, उस टाइम आपको ग्रीसिंग वगैरह सारा चीज़ कराना है, वाश वगैरह, चेन वाश वगैरह सब कराना है। तो भाई अगर आप गाड़ी रखे हो ना, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए गाड़ी के बारे में, कितना पैसा खर्च होता है उसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो आप ठगा जाओगे बहुत जगह पर। तो इन सब से बचें। और अगर आपका ब्लॉक चेंज हो रहा, आपका मान लिया जाए कि आपका ब्लॉक चेंज हो रहा, पिस्टन नहीं चेंज करना है, ब्लॉक पिस्टन ही पूरा चेंज करना, तो ब्लॉक पिस्टन आपका आएगा 2000 रुपये का, ठीक है, हीरो की 2000 रुपये की ब्लॉक पिस्टन आएगी। उसमें से आपका ये जो पिस्टन का रेट है ना, 655 रुपया, वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वो लग नहीं रहा। तो 655 अगर उसमें लेस हो गया, तो आपका पड़ रहा है यहाँ पर 1350 रुपया। तो ये जो आपका बिल है 5300 का बिल है, इसमें से 1300 रुपये फिर ऐड कर दिए, मतलब कि 5200 और 3 5500 6500 रुपया में आपको पूरा ब्लॉक किट के साथ कंप्लीट हो जाएगा गाड़ी। अगर ब्लॉक किट नहीं लगाना, तो आपको 5200 में कंप्लीट हो जाएगा। तो झोल झाल के चक्कर में ना फंसे, और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जगहों पर जा रहे हैं, वो ऊपर से सीख कर आ रहे हैं,
निचले स्तर से ही लोग ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद थोड़ा लोगों को लगता है कि हम प्राइस के बारे में कंप्रोमाइज ना करें, इतना है तो इतना है, वो बाहर में लगा दिया, अगर सस्ता लगा दिया वो घटिया सामान लगा दिया, है ना। अक्सर मैं देखता हूँ अगर वो सस्ता सामान लगा दिया ना तो वो घटिया लगा दिया, मैं महंगा लगा रहा हूँ तो मैं बढ़िया लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात को नहीं लंबा खींचना है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।